Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Was salatu was salam 'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa 'ala man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ma ba'd. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وتفقا يصفان عليهما من ورق الجنة محترم حاضرين अल्लाह के फजल करम और उसकी मेहरबानी से हम लोग कुछ दीनी बातें सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। रब्बुल आलमीन हमारी इस बैठक को हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए। हाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक सिलसिला शुरू हुआ था दुरूस का और मुझे जो उनवान मिला था वो अखलाक व आदाब के ताल्लुक से था और इस ताल्लुक से कई दुरूस आप लोगों के सामने पेश किए जा चुके थे। ख़ास तौर पर वो औसाफ जिनके ज़रिए से हम अपने अखलाक को ऊंचा बना सकते हैं, हमारा अखलाक सुधर सकता है, उन औसाफ का मैंने जिक्र किया था। इंशाअल्लाह आज के दर्स में भी अखलाक को खूबसूरत बनाने वाली एक सिफत का मैं जिक्र करूँगा जिसका इस दौर में खास तौर पर इन दिनों में बहुत ही जरूरत है और वो सिफत है शर्म व हया की सिफत। इसकी सिफत शर्म व हया है। आप जरा बाहर कदम निकाल के देखिए घर से किस तरह आपको फहाशी नजर आएगी, किस तरह आपको बदवियानियत नजर आएगी और किस तरह बेहयाई के मनाजिर आपको नजर आएंगे। ये सब क्यों? क्योंकि हमारे दिलो दिमाग से हया की जो सिफत थी, शर्म हया का जो जेवर था वो खत्म हो गया, शर्म हया का जो जेवर था वो खत्म हो गया। फारसी का एक मकोला है बहुत मशहूर है कि बेहया बाश हर चीज खाली हो, बेहया बन जाओ जो चाहे करो, तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं, बेहया मुसलमान के पास खास तौर पर उसकी निगाह झुकी रहे, किसी गैर महरम की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखेगा, किसी फर्श इश्तिहार की तरफ उसकी निगाह नहीं जाएगी, किसी को गाली दे नहीं देगा, किसी की इज्जत और आबरू से वो खिलवाड़ नहीं करेगा। हया उसे हर जगह रोकेगी, हया की सिफत उसे हर जगह रोकेगी। हया एक ऐसी सिफत है, शर्म और हया एक ऐसी सिफत है जो हर इंसान की फितरत में, हर इंसान की फितरत में। सूरह आराफ की मैंने जो आयत तिलावत की, जरा गौर कीजिए इस आयत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में हजरत आदम और हजरत हव्वा का जिक्र फरमाया है कि वो दोनों को अल्लाह ने जन्नत में घर अता फरमाया, जन्नत में रहते थे, उनसे थोड़ी सी चूक हो गई, गलती हो गई, शैतान के बहकावे में आ गए और उस पर को खा ले जिससे अल्लाह ने रोका था, उस पर को खा ले जिससे अल्लाह ने रोका था। तो फल खाते ही उसका असर जाहिर हुआ, जानते हैं क्या असर जाहिर हुआ था? कपड़े निकल गए, बेलिबास हो गए, बरहरा हो गए। फल खाते ही फलन मादा अशया, जब वो फल को चखे तो बदत लहुमा सौआतुहुमा, सौआतुहुमा उनके छुपाने की जगह जाहिर होने लगे, यानी कपड़े उतर गए और कपड़े उतरते ही वो दोनों क्या करने लगे, वतफिका यक्सिफा
इंसान की फितरत में अल्लाह ने हया को रख दिया है। इंसान की फितरत में अल्लाह ने हया को रख दिया। हया किसे कहते हैं? शर्म हया तो बोल लेते हैं, तो हया किसे कहते हैं? हया कहते हैं, मोटे अल्फाज में आप समझ सकते हैं कि कोई भी गलत काम करते हुए इंसान के दिल में खटका हो कोई देखता है, देख लेगा तो क्या होगा? इंसान के दिल में जो खटका पैदा होता है, जो तंगी महसूस होती है, जो हर्ज महसूस होता है, उसी पर ध्यान दिया जाता है। कोई गलत काम करते इंसान के दिल में खटका पैदा होता है, उसी को हया कहा जाता है। शरीयत इस्लाम ने हया को बड़ा उभारा है, उसकी बड़ी तारीफ दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा, सारे नबी खासतौर पर नबियों की सिफत हया की सिफत थी। सारे नबी बड़े बाहया हुआ करते थे, हया की सिफत उनके अंदर खूब के भरी हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है सूरह कसस के अंदर। यहाँ मिस्र से भागती हुए कहाँ पहुंचे थे? मदियन पहुंचे थे। मदियन पहुंच के क्या देखिए कि सारे लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, उसमें से दो लड़कियां भी हैं जो साइड में खड़ी हुई हैं। पूछा कि तुम पानी नहीं पिला? कहा हमारा दो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप तो सारे मर्द लोग पिलाते हैं, ये पिला के जब चले जाते हैं तो हम बचा बचा पानी पिलाते हैं। हजरत मूसा दोनों के बकरियों के लिए और लोगों को इधर उधर किया और पानी पिला के भेज दी। तो दोनों लड़कियां घर गई और हजरत मूसा के बारे में अपने वाले से कही, तो फिर उनके वालिद ने कहा कि जाके पिला के लाओ। तो वो जो आ रही थी हमत, यानी हया का सेवन कब से इंसान के पास, वो जो लड़की आ रही थी हजरत मूसा को बुलाने के लिए, रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा भी दिया है। इसमें कसस के अंदर देखिए अल्लाह ने फरमाया, फजा शर्माती हुई और अपने सर को झुकाई हुई शर्म हया की पुतला बनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और कही कि इन्ना भी यदरुक लियजिया का अजर मा सकैतना, अब तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें जो आगे हमको हमारे बकरियों को पानी पिला रहे हैं उसका बदला देना चाहती है, उसका बदला देना चाहती है। तो ये खासतौर पर नबियों की सिफत हुआ करती है, एक मोमिन बंदा बंदी की सिफत हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों का जिक्र किया है और नबियों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि नबियों की जिंदगी में हया की सिफत पूर पूर कर रही हुई थी। चुनांचे हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि अरबा मिन सुनन अल मुरसलीन, चार चीजें नबियों की सुन्नत में से, सारे जुमला नबियों की सुन्नत में से चार चीजें हैं। उसमें से पहली चीज क्या है? अल हया। पहली चीज क्या है? हया। और इसी किस्म के और एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू मसूद रज़ियल्लाहु तआला इस हदीस के रावी हैं, बुखारी की रिवायत है, फरमाते हैं कि इन मिम्मा अदराका नास मिन कलाम नबुव्वत अलूला इला लम तस्तह फसना मा शित, कि लोगों ने पहले नबियों की जो अच्छी अच्छी बातें हासिल किए, उन अच्छी बातों में से एक बात यह भी है कि नबी कहा करते थे, पहले नबी लोग भी ये कहा करते थे कि इलाम दस्ता की फसना माशिद, अगर तुम्हारे पास शर्म नहीं है तो जो चाहे करो, तुम्हारे पास शर्म नहीं है तो जो चाहे करो। तो ये नबियों की सिफत रही है, नबी वाली सिफत है हया की सिफत, और इस सिफत को हमको अपनी जिंदगी में परवान चढ़ाने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत सारे नाम हैं, अस्मा व सिफात, बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, सिफाती नाम हैं, और उन सिफाती नाम में से एक हई है, अल हई, और एक अल, एक तो हई हैकुल है और एक हाईकुल है, फर्क महसूस कीजिएगा, एक हैकुल है हा या के ऊपर तश्दीद, हैकुल, हैकुल का माना खुद से जिंदा है और सबको जिंदा किया हुआ है, जिंदगी देने वाला, और हाई यू एक अल्लाह का नाम है, हा से बड़ा हा या से ई या तो बिशिर इस तरह हाई यू, और हाई यू का माना है बहुत ज्यादा शर्म करने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नाम भी हाई यू है, मशहूर हदीस है, पैगंबर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि इन रब्बकुम हाई करीम, तुम्हारा रब बहुत ज्यादा शर्म करने वाला।
معیار کی صفت اللہ کی بھی ہے، نبیوں کی بھی ہے، اور یہ صفت ہمارے اندر خاص طور پر اس دور میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ مجھے حاضرین، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اوصاف کی خاص طور پر تعریف کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک وفد آئے، ایک جماعت، چھوٹی سی جماعت آئی اسلام قبول کرنے کے لیے، اور ایک وفد میں سے عبدالقیس اشد عبدالقیس کا وفد بھی تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کو، اس جماعت کو اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں، ان کی صفت کی تعریف کروائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فیک خلتین، اور ایک روایت میں ان فیک خصلتین، تمہارے اندر دو خصلتیں، تمہارے اندر دو صفتیں ہیں، یحبہم اللہ، ان دونوں صفتوں کو اللہ بہت ہی پسند فرماتا ہے۔ تم لوگوں میں دو صفت ایسی ہیں جن کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے، وہ دو صفتیں کیا ہے؟ اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، ہمارے اندر وہ دو صفتیں جن دو صفتوں کو رب العالمین بڑا پسند فرماتا ہے، وہ دو صفتیں کیا ہیں؟ تو اللہ نے پہلے بھی اس نے فرمایا کہ الحلم والحیاء، اور حیاء و شرم، یہ صفت تمہارے اندر موجود ہے، اور ان دونوں صفتوں کا رب العالمین بڑا پسند فرماتا ہے۔ تو حیاء کی صفت کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ حق بات تو یہ ہے دوستو، شرم و حیاء ہمارا زیور بھی ہے، اور یہ ایمان کا ایک حصہ بھی ہے، ایمان کا ایک حصہ بھی ہے۔ وہ لوگ جو حیاء کرتے ہیں، شرم و حیاء اسی وقت وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا،
ईमान का एक हिस्सा है, ईमान का एक हिस्सा है। और जब हाजरीन हया से, हया की वजह से इंसान गुनाह कर सकता है। हया एक जरिया है, एक वाहिद जरिया है जिसके जरिए से इंसान गुनाह से बच सकता है। और हया अगर हमसे खत्म हो गया तो कसम अल्लाह की सारी बुराइयां हमारे लिए आसान हो जाती है। इसी वजह से इस सिफत को डेवलप करने की जरूरत है, इस सिफत को मजबूत करें। हमारे फितरत में है हया, हमारे अंदर हया है, इसे मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि हया रहा तो इंसान के लिए नेकी आसान हो जाती है, गुनाह से बचना आसान हो जाता है। और हया की सिफत चली गई तो सारे गुनाह, सारी बुराइयां बड़ा से बड़ा गुनाह उसके लिए आसान हो जाता है। अभी जो हदीस मैंने सुनाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे नबी ये बताया करते थे, इला लम तस्तही फसना माशेत, इला लम तस्तही, याद कर ली जुमला, बहुत अच्छा जुमला है, इसलिए जुमला इला लम तस्तही फसना माशेत, जब तुम्हें हया नहीं तो दो चाहे जो चाहे रास्ते में पढ़ना होकर नाचेगा, उसे कोई आर नहीं होगा क्योंकि उसके पास हया नहीं है। वो बीड़ी सिगरेट सबके सामने पिएगा, उसे कोई आर नहीं होगा क्योंकि उसके पास हया नहीं। रास्ता चलते हुए शरीफ औरतों को छेड़खानी करेगा क्योंकि पास, क्योंकि उसके पास हया नहीं। वो रास्ते में सबके सामने शराब पिएगा क्योंकि उसके पास हया नहीं है, उसके किसी का उसे आर नहीं है। तो अगर हया नहीं है तो हर सामने खड़े होकर बीड़ी सिगरेट पीएगा, वो समझेगा, देखेगा तो मुझे बुरा समझेगा। वो किसी गैर वाला औरत को नहीं भूलेगा, वो समझेगा। और हया इसी वजह से नहीं है, जो इस सिफत को हमारे अंदर मिला कर बहुत है। मैंने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हयादार थे, बड़े हयादार थे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया के तालुक से कि كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العقرب في خدرها। दो चीजा नौजवान लड़की जो घर के अंदर पर्दे में बर्दादार हो, जिस तरह घर के अंदर शर्माती नचाती बैठी रहती है, उसी तरह उससे बढ़कर पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मीले थे। ये हदीस जो है आज के मामले में समझ में नहीं आती, क्योंकि आज हम नजर उठाए तो कोई हया वाले औरत नजर नहीं आती, इल्ला माशाअल्लाह। तो आज चूंकि बेहयाई का दौर है, हमारी बच्चियां, हमारी माए बहने, हमारी बीवियां बेहयाई के साथ फिरती हैं, इस वजह से समझ नहीं आती। वो दौर की औरतें थी कि फजर की नमाज को भी अंधेरे में जाती तो लपटी लपटाए पूरे बदन को छुपा के जाती, नमाज के लिए जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से आता है, तो ये भतीजी थी भाई की बेटी, तो घर के अंदर देखिए, घर के अंदर भाई की बेटी फूफू के पास, हजरत आयशा के पास ओढ़नी ओढ़ के आई, तो दुपट्टा जरा भारी था, भारी ओढ़नी। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा नाराज हो गई, गजबनाक हो गई, और उनकी ओढ़नी को लेकर भाई के लिए मोटा सा कपड़ा दे घर के अंदर की बात। तो उस दौर की औरत होगी, तो उस दौर की पाकीज़ा पाक पास पर्दादार नौजवान लड़कियों से भी ज्यादा पहले नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया करते थे। एक बार आप सोशल बैठे हुए थे तो आपका इजार, आपकी टूटी जरा रात से ऊपर चढ़ी हुई थी। हजरत आयशा साहब थे, हजरत अबू बकर इजाजत मांगे आगे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इजाजत मांगे अंदर आ गए। उसी तरह आप सल्लम लेटे हुए थे, बैठे हुए थे। इतने में हजरत उस्मान करीम रजी अल्लाह तआला अन्हु इजाजत तलब की, आने के अंदर पैर नबी सल्लम इजाजत देने से पहले कपड़े अपने पाँव में अच्छी तरह ढाँप ली और सिरा पर बैठ गए। हजरत आयशा ऐसा देख रही थी, बाद में पूछी अल्लाह के रसूल अबू बकर आए उसी तरह बैठे रहे, उमर आया उसी तरह बैठे रहे, उस्मान आया तो पूरे कपड़े आपने सीधे कर लिए और कर रहे थे। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर फरमाया था कि आयशा अला तस्तही मिन रजुल यस्तही मिनहु अलमलाइका, आयशा मैं इस आदमी से ना शर्म करूं जिसे फरिश्ते शर्माए।
حضرت عثمان کے شرمیات کس طرح شرمیلے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرشتے ان سے شرمایا کرتے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شرم و حیا کا پاس لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا کہ ان کے سامنے اپنا مان جو ہے حرام تک چھپا لیا اس لوگ نے پاؤں چھپا لیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حدیث کا ایک واقعہ رکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک بیماری تھی بہت زیادہ مزید کو نکلتی تھی قریب پیشاور باخارہ سے پہلے جو گاڑھا مادہ نکلتا ہے اسے مسیح کہا جاتا ہے مزاج کی گرمی کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ کنت مردانا خود فرماتے ہیں ان کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ کنت مردانا مجھے بہت زیادہ مسیح نکلا کرتے تھے تو اب میں مسئلہ پوچھا کہ یا مسیح سے غسل چھوٹ جاتا ہے یا غسل کرنا ہے کیا کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں داماد بھی ہیں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں تو شرم و حیا اتنا پوچھ نہیں پائے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ مقداد الاسود رضی اللہ عنہ بیٹے جا پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقداد رضی اللہ جا کے پوچھے اور مسئلہ کے بتائے کہ غسل نہیں ٹوٹتا غسل ٹوٹ جاتا ہے وضو کرنا اس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم کے پاس شرم و حیا کا زیور تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے شرم و حیا کا پاس لحاظ بہت سا کیا کرتے تھے اسی سے غلطی ہوگی دیکھیں ہمارا کیا میں نے غلطی کیا تو آپ نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب یہ کر رہے ہیں مولوی صاحب وہ کر رہے ہیں مولوی صاحب وہ کر رہے ہیں آپ سے غلطی ہوئی تو میں نے کہہ دیا کہ عبداللہ ہمارے یہ کر رہے ہیں عبداللہ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں نام نہیں غلط کر دیتے ہیں مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جب کسی شخص سے کوئی غلطی ہوتی تو آپ کسی کو خاص آدمی کو ٹارگیٹ نہیں بناتے بلکہ کیا کرتے کہتے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے لوگ ایسا ایسا کرتے سننے والا کرنے والا سنا جاتا سمجھ جاتا اور لوگوں کو دوسرے لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جاتا تو اصلاح بھی ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو ہے خیال رکھا کرتے تھے حیا کن چیزوں کی سے انسان اپنے حیا کو اچھا بنا سکتا ہے انسان اپنے حیا کو زیادہ سے زیادہ اسے بہتر بنا سکتا ہے میں مختصر طور پر چند باتیں بتا کر بات ختم کروں گا حیا کو ترقی دینے کے لیے اسے مضبوط بنانے کے لیے سب سے پہلے ہر انسان کو کیا کرنا چاہیے جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے کوئی غلط کام کرتے شرماتا ہے اسی طرح ایک انسان کو یہ بھی دل و دماغ میں بات رکھنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سے حیا کرنا چاہیے اللہ سے شرم کرنا چاہیے تو انسان کے پاس اگر اللہ سے شرم کرنے کا بات آ جائے تو حیا مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوسرے گناہوں سے تو بہت بچ جاتا ہے اس تعلق سے شیخ البانی علیہ الرحمہ نے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے فرماتے ہیں سید بن زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ اوصینی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے کچھ باتیں بتائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصی کا تستحی یا اللہ عز و جل کما تستحی رجلا من صالح قوم کہ تم اپنے قوم کے بڑے آدمی سے جس طرح کچھ شرم کرتے ہو حیا کرتے ہو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے شرم کرو آپ وصیت فرمائیں اور یہ آیتیں دیکھیں سورۃ العلق کی آیتیں الم یعلم بان اللہ یرا کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے انسان کے اندر یہ بات رکھنا یاد رکھنا چاہیے الم یعلم بان اللہ یرا کیا معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرماتے سورۃ غافر میں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہ رب العالمین تمہارے آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہے اور تم نے اپنے دل کے اندر جو باتیں چھپائی رکھی ہیں ان باتوں کی اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیالت کو بھی اور دل کے وسوسے کو بھی اللہ جانتا ہے جو انسان استحضار رکھے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں میری آنکھیں جو خیانت کر رہی ہیں میرے دل کے اندر جو وسوسے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے تو حیا میں اضافہ ہوگا اور بندہ گناہ سے بچ جائے گا اللہ رب العالمین سورۃ الحدید کے اندر فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ بَيْنَمَا كُنْتُمْ جہاں رب اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ کا علم اللہ کی قدرت تمہارے پاس اور اسی طرح اللہ نے سورۃ القاف کے اندر مشہور آیت ہے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ
ये नफ्स यकीनन हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं उनके दिल के अंदर क्या ख्यालात पैदा होते हैं। तब ये चीजें हमारे दिलो दिमाग के अंदर इस्तेजाब और इस्तेजाब कर रहे कि हम जो भी कर रहे हैं इंसान तो नहीं देख रहा है। रास्ते में आगे बढ़ने के अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। आमीन।